सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड इस स्टॉक में आज के दिन 1.45 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर का अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिलाएगा। लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न पर स्टॉक में एक टॉप बना 49 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा जहां पर स्टॉक ने 41 रुपीज के प्राइस को डिटेस्ट किया और फिर से स्टॉक में यहीं से एक बड़ा अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे स्टॉक में अपने पुराने हाई को ब्रेकआउट दिया का 49 रुपीज का, स्टॉक में एक नया हाई बना दिया 55 रुपीज का। 55 रुपीज के स्टॉक में एक टॉप बन चुका है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। अगर स्टॉक का वॉल्यूम एवरेज देखें तो उससे ज्यादा स्टॉक में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है आज के दिन, जिससे साफ पता चलता है कि स्टॉक के प्राइस में भी तेजी है और स्टॉक के वॉल्यूम में भी काफी बड़ी रैली देखने को मिल रही है। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक में अपने पुराने हाई को भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 50 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 65 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 50 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलेगी और बजट से पहले ये स्टॉक काफी अच्छा आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।